बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी दे रही हूँ। ये हरे धनिए और इमली की खट्टी मीठी चटनी है, बहुत मज़ेदार। ये तमाम तरह के कबाब्स के साथ बहुत मज़ेदार देती है। हमें जो चीज़ें चाहिए हैं, ये इमली है, इसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर भिगो के और छोड़ दिया। इसमें से मैं आधा कप के करीब इमली इस्तेमाल करूँगी, पूरी नहीं इस्तेमाल करूँगी। ये हरा धनिया है और इस चटनी के अंदर एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास हरा धनिया कम है तो आपको डंडियां तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये डंडियों समेत बन जाती है। और ये डंडियों के साथ अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर देगी, गाढ़ा। तो ये इस डंडियों समेत हरा धनिया है। इसके अलावा रेड चिली पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। ये क्यूमिन सीड्स हैं यानी ज़ीरा, ये 1 टीस्पून है। उसके अलावा इसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट है और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। जूसर का जग लेके हम इसके अंदर सबसे पहले हरा धनिया डालेंगे, साथ में हम इसके अंदर डालेंगे नमक और शुगर, क्यूमिन सीड्स, रेड चिली पाउडर। अब हम इसके अंदर इमली का पल्प डाल देंगे। इमली की मज़ेदार चटनी रेडी हो गई है। हम इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। इसके अंदर मिर्चें और नमक जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप इसमें पिसी हुई मिर्चों के साथ 1-2 हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कम मिर्चें खाते हैं तो पिसी हुई मिर्चें जो 1 टीस्पून है उसे और कम कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर शुगर भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठी पसंद है। इमली और हरे धनिए की मज़ेदार चटनी बिल्कुल रेडी है। ये खट्टी मीठी चटनी हर तरह के कबाब के साथ बहुत लुत्फ देती है, उनका मज़ा दुबाला हो जाता है इसके साथ खाने से। आप भी अपने घर के अंदर बनाइए और मुझे बताइए अपने कमेंट्स में कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे लाइक कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।